नेवर एंडिंग प्रोग्राम तब बन जाता है जबकि उसकी सब सीमा तय नहीं होती है कि वो क्या हो। ऐसी कंडीशन आप दे देंगे, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर ए ले लिया मैंने, ए इज इक्वल टू वन कर दिया, या फिर आई इज इक्वल टू वन कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, वेरिएबल तो कुछ भी लिया जा सकता है। और यहाँ पे कर देता हूँ आरएस रेस, ठीक है, एक वेरिएबल रेस नाम से बना लेता हूँ, उसमें भी वन स्टोर करा देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, फिर यहाँ पर नम इज इक्वल टू टू कर देता हूँ, तो नम इज इक्वल टू टू कर दिया। अब इन तीनों में एक एक चीजें स्टोर हो गई, जैसे आई में वन स्टोर हो गया, रेस में वन स्टोर हो गया, नम में टू स्टोर हो गया, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर वाइल कीवर्ड लिखता हूँ, ये वाइल लूप है तो वाइल एक कीवर्ड भी होता है, ठीक है। तो ये वाइल लिखा और आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 कर दिया। अब ये लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब क्या निकलेगा, यहाँ पे कोलन लगा दिया है, तो लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब, लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब क्या निकलेगा कि ये आई में रखी हुई वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, अगर है तो ठीक है, आने का लूप चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ये प्रोग्राम आपका नेवर एंडिंग प्रोग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रेस इज इक्वल टू, सब फसाने उसाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है सब, ठीक है स्टूडेंट्स को। तो ये लिख दिया मैंने नम इंटू आई, ठीक है, एंटर प्रेस किया और यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट, इसको प्रिंट करवा देता हूँ, तो ये लिखा मैंने प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे दे देता हूँ नम कॉमा, फिर दे देता हूँ यहाँ पे लाइक मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, तो ये लिख दिया ये कुछ इस तरीके से, और फिर कॉमा देते हैं आई, फिर कॉमा देते हैं और फिर यहाँ पर इज इक्वल टू को प्रिंट करवा देते हैं, तो ये इज इक्वल टू हो गया, कॉमा देंगे, फिर यहाँ लिख देते हैं अरेस, अरेस भी तो एक बनाया था हमने, तो ये हो गया। इसको देने के बाद क्या करना है आपको, इसको सिंपली रन करवा देते हैं, तो रन करवाते वक्त ही सेव हो जाएगा, तो ये सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो ये दो का पहाड़ा 2×1, ये नेवर एंडिंग प्रोग्राम है, ये चलता जाएगा, देखिए ना ये पूरा चलता जा रहा है, रुकना नहीं करेगा, चलता जा रहा है। कारण क्या है इसके पीछे, आप इसकी कोडिंग को देखिए, जब एक बार आप कोडिंग देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी। देखिए आई में क्या रखा हुआ है, आई में 1 रखा हुआ है, ठीक है, आई में 1 रखा गया है, रेस में 1 रखा गया है, नम में 2 रखा गया है। तो अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर वाइल लूप लगाया हमने, तो लूप जानते ही है चाहे ये यूज होता है, लूप यूज होता है कि हम किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराएं। अब रिपीट कराने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई, तो आई में क्या स्टोर है, 1 स्टोर है, तो ये पूछा जा रहा है कि क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो 1 तो लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं है, तो 10 तो है ही है, तो ये चलता जाएगा। अब 1 की वैल्यू ना तो इंक्रीमेंट हो रही है ना तो डिक्रीमेंट हो रही है, कुछ हो नहीं रहा है, आगे कुछ कहां हो रहा है, ठीक है, आगे तो ये कंडीशन और दे दी गई है, रेस इक्वल टू नम इनटू 1 आई। तो यहां पर जब आप देखेंगे कि 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये 1 लेस देन इक्वल टू 10 तो हमेशा से ही है, और ये तो हमें करेगा, ये ऐसा थोड़ी ना कि 1 जो है 10 से ज्यादा हो जाएगा, 1 तो कम ही रहेगा ना 10 से, तो ये चीज है, और ये चलता जाएगा और ये नेवर एंडिंग प्रोग्राम बन जाएगा। इस कंडीशन में ये लूप चलता ही जाएगा, इसीलिए ये आ रहा है इस तरीके से, ठीक है।